हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्ट्स योर चैप्टर थर्ड सिविक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन चैप्टर टू वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। मीन्स कि चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी में पॉसिबल और नेसेसरी दोनों नहीं है, मतलब कि संभव और ये इम्पॉर्टेंट कि पीपल टू गवर्न डायरेक्टली, लोगों को डायरेक्टली गवर्न किया जा सके, अर्थात लोगों पर डायरेक्टली रूल किया जा सके। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज फॉर द पीपुल्स टू गवर्न थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स इन दिस चैप्टर will be look at how these representatives are elected। तो most common forms of democracy in our times, मतलब आज के समय में जो सबसे आम मतलब common form लोकतंत्र का है, इसमें people govern through their representative, अर्थात जनता के ऊपर जो सरकार मतलब सरकार जो सरकार बनती है या जो शासन जनता के ऊपर चलाते हैं, कौन चलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल, मतलब द पर्सन इलेक्टेड बाय द पीपुल, जनता के प्रतिनिधि। इन दिस चैप्टर विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। We try to understand how electoral competition among parties serves the people। और इस चैप्टर में हम इस चीज़ का समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे elections होता है, कैसे हमारे representative चुने जाते हैं और वो लोकतंत्र में कैसे अपने manifesto के through public के बीच आते हैं, अपने वादों को के साथ election में, और वो हमारे लोकतंत्र में कैसे जरूरी होता है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपुल व्हेन देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। व्हेन देन गो ऑन टू आस्क, मतलब तब आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव कैसे होता है या किस तरह से चुनाव होता है, ये चीज़ का। द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। क्या है डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, मतलब लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक इलेक्शंस में क्या डिफरेंसेस है। In the rest of the chapter tries to assess elections in India in the light of this yardstick। We take a look at each stage of election from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of result। We take a look at each stage of election, मतलब कि इलेक्शन के जितने भी स्टेज हैं, जितने भी चरण जिसको हम कहते हैं, सब चीज़ को हम देखते हैं और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अलग अलग असेंबली क्षेत्र हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनकी सीमाओं को
डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और जो परिणाम निकलता है ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे इलेक्शन के जो डिफरेंट स्टेजेज हैं आगे हम पढ़ेंगे इसको, कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट का सिलेक्शंस होता है, प्राइवेट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं जो बिना किसी पार्टी के होते हैं, बाकी जो अलग अलग पार्टीज हैं, इंडिया इज़ अ मल्टी पार्टीज कंट्री, यहाँ बहु पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय लेवल पर हैं, सबके अलग अलग सिंबल्स होते हैं और उसमें कैंडिडेट चुना जाता है। कैंडिडेट के बाद फिर वो अपना नॉमिनेशन जब स्टार्ट हो जाता है, पर्चा दाखिला जिसको कहते हैं, फिर वो अपने कंपेजिन शुरू कर देते हैं, चुनाव प्रचार, तरह तरह से चुनाव प्रचार लोग करते हैं। फिर एक डेट आती है जिस पे इलेक्शंस होता है, इलेक्शन के 3-4 डेज लेटर, हाँ स्टेप वाइज अगर इलेक्शन है, चरणों में इलेक्शन है, तो सारे इलेक्शन समाप्त होने के बाद उसके 3-4 डेज के बाद काउंटिंग होती है, फिर जा कर के जो मेजॉरिटी पाता है वो विजयी घोषित होता है और मेजॉरिटी पार्टी जो विन करती है स्टेट या कंट्री में, वो राज प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा उसके लीडर्स को नॉमिनेट मतलब इनवाइट किया जाता है सरकार बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। एट ईच स्टेज बी आज विदाउट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन। टुवार्ड्स द एंड्स ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फेयर एंड फ्री, फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी में कि स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव। हियर आर आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, चूँकि वो इंडिया में वही एक इंडिपेंडेंस संस्था है जो चुनाव करवाती है यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर। व्हाई इलेक्शंस, नेक्स्ट हमारा हेडिंग्स है, क्वेश्चन भी व्हाई इलेक्शन, मतलब क्यों इलेक्शन जरूरी है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, तो यहाँ हरियाणा के एग्जांपल देकर के असेंबली इलेक्शन का समझाया गया है। तो हरियाणा में कैसे जो है उस समय 1979 की बात है, जब 76 ईयर्स ओल्ड देवीलाल चौटाला कांग्रेस से स्प्लिट होकर के एक नई पार्टी बनाए थे लोकदल, और फिर उनके बारे में बताया गया है कैसे वो रात दिन कंपेजिन करते रहते थे, काफ़ी मेहनत करते थे और छोटे छोटे पार्टियों के साथ अलायंस बना करके वो कांग्रेस के खिलाफ लड़े, अपने मैनिफेस्टो के साथ पब्लिक के बीच में आए और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बनने पर हम किसानों के, छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे। इस पर जो है लोग विश्वास किए और उस इलेक्शंस में लोक दल और उसके अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला, बहुमत से ज़्यादा 90 में करीब उसको जो है 76 या ऐसे ही कुछ सीट मिले, जिसमें अकेले जो है लोक दल को बहुमत से ज़्यादा सीट मिली, 60 सीट वो खुद जीती थी। और सरकार बनाने के बाद जैसे उन्होंने अपने प्राथमिकता दी थी कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, तो कर्ज उन्होंने माफ़ भी किया, लेकिन 4 साल 5 साल पुनः जब इलेक्शन हुआ तो जनता जो है विश्वास हटा ली और पुनः कांग्रेस मेजॉरिटी में आई, कांग्रेस की सरकार बनी। तो द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड 1991, बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट्स, द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, द जगदीप एंड नवप्रीत रीड दिस स्टोरी एंड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो इस चीज़ को आप पढ़िएगा, चेक योर प्रोग्रेस, इलेक्शन कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या करता है इलेक्शन, जो समय समय पर होना ज़रूरी भी है क्योंकि इससे हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज को चेक करते रहते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स अगर वो अच्छा काम करती तो उसको हम रिवार्ड देते हैं, पुनः मेजॉरिटी मिलाते हैं, और अगर वो अच्छा काम नहीं करती है तो उसको पनिशमेंट के तौर पर बैक सीट टू द पवेलियन, जिसको कहते हैं कि जैसे आउट होने के बाद जो क्रिकेट टीम हार जाती है, कहाँ बैठती है, पवेलियन में या खिलाड़ी
आउट होने के बाद दर्शक दीर्घा की तरह बैठता है। तो ऐसे ही भी जो पार्टी लीडर्स जो मेजॉरिटी नहीं कर पाते हैं और अपोजिट में सरकार के अपोजिट में बैठते हैं, 5 साल सरकार के कामों को चेक करते हैं। तो पीपुल्स आर अनहैप्पी विद एवरी रूलिंग पार्टी एंड वोट अगेंस्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। लगभग मेनली यही है, 5 ईयर्स बाद जो रूलिंग पार्टी होती है उससे कुछ न कुछ असंतुष्ट जनता जरूर होती है और नेक्स्ट इलेक्शन में उसके खिलाफ वोट करती है। पार्टी दैट विंस द इलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, और जो पार्टी इलेक्शन जीतती है क्या बनाती है? सरकार बनाती है। दिस इलेक्शन लेड टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन हरियाणा, और इससे सरकार जब बनती है तो तरह तरह के कार्य करती है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी होता है। द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट हैव रिजाइंड आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शंस। द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? तो elections take place regularly in a democracy. We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representatives. सैकड़ों से अधिक देश हैं पूरे इस वर्ल्ड में जहाँ पे elections होता है और वो अपने representative को elect करते हैं। We also read that elections are held in many countries that are not democratic. और ऐसे भी देशों में इलेक्शन होता है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो क्या डिफरेंसेस है? बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें क्यों इलेक्शन की ज़रूरत है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। बिना इलेक्शन के लोकतंत्र क्या है उसका हम कल्पना कर सकते हैं? क्या रूल ऑफ द पीपुल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन? जनता पर शासन बिना इलेक्शन के संभव है? रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टूगेदर एवरी डे। क्या सभी लोग जो है जनता, पूरे देश की जनता एक साथ प्रत्येक दिन बैठ करके और किसी मामले को सुलझा सकती है या जो है किसी डिसीजन पर आ सकती है? बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 2, दिस इज नॉट पॉसिबल इन ए लार्ज कम्युनिटी। लार्ज कम्युनिटी में ऐसा संभव नहीं है। सबके पास न रेगुलर टाइम है, न सब एक साथ किसी डिसीजन पर इस तरह से पहुंच सकते हैं। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शन? लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज। कि कहीं इस तरह से जहाँ पे जनता प्रतिनिधि अपना चुनती है एज और एक्सपीरियंस के आधार पे, कि उम्र और अनुभवों के आधार पे, आर अ प्लेस वेयर द चूजन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, क्या शिक्षा और ज्ञान के आधार पर चुना जाता है? देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर। तो यहाँ पे कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं डिसाइड करने में, किस आधार पे? एक्सपीरियंस और नॉलेज के। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज। तो इस रिजॉल्व को, इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है? पीपल। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। अगर जनता इस प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर ले तो फिर किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? इलेक्शन की। लेकिन बट कैन बी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? लेकिन कह रहा बट कैन बी कॉल, क्या हम इस प्लेस को लोकतंत्र कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपुल लाइक दियर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि लोग जो है अपने प्रतिनिधि को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एज पर द विशेष ऑफ द पीपुल? और ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना है वो हमारी इच्छाओं के अनुसार काम कर रहे हैं? लाइक डू नॉट रिमेन दियर रिप्रेजेंटेटिव, दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपुल कैन चूज दियर रिप्रेजेंट। तो इसलिए हमको एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। और ये सिस्टम, ये व्यवस्था क्या कहलाती है? इलेक्शन।
चुनाव. देयरफॉर इलेक्शन आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. नंबर वन, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम. मेक लॉ फॉर देम, कानून के लिए बनाए. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार उनके लिए बनाए. टेक मेजर डिसीजंस, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द, और ऐसी पार्टी को चुनो जिनकी नीतियाँ सरकार को लॉ बनाने में गाइड करें. What makes an election democratic? तो election को क्या लोकतांत्रिक बनाता है, या लोकतांत्रिक में elections कैसे होता है? Election can be held in many ways. All democratic countries hold election, but most non-democratic countries also hold some kinds of election. Democratic countries में तो election होते हैं, लेकिन non-democratic countries में भी कुछ तरह के elections हैं. How do we distinguish? कैसे हम दोनों differentiation करते हैं, करेंगे? We have discussed this question briefly chapter 2. Chapter 2 चूँकि syllabus में नहीं है इसलिए उसको हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो chapter 2 में है. वैसे एक हर chapter एक chain के थ्रू जुड़ा हुआ है. अगले अगले chapter में पिछले chapter का knowledge जरूरी होता है, इसलिए ये बार बार ये point आ रहा है. chapter 2 में हमने उसे पढ़ा, ऐसे हम fourth में पढ़ेंगे तो हम chapter 3 की बात जरूर करेंगे वहाँ पर. तो बी डिस्कस्ड मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे कैन नॉट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन. लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न्ड देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन. मतलब लोकतांत्रिक चुनाव का मिनिमम कंडीशंस क्या है जो जरूरी है. नंबर वन, फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. प्रत्येक को होना चाहिए एबल टू चूज. दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड बी हैव इक्वल वैल्यू. तो प्रत्येक के पास एक वोट होना चाहिए और उसकी वैल्यू एक बराबर हो. मींस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. तो एडल्ट जो 18 ईयर्स अबव सबको वोट देने का अधिकार हो और एक वोट का एक वैल्यू. सेकेंड, देयर शुड बी सम टाइम सम थिंग्स टू चूज फ्राम. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर. पार्टी और कैंडिडेट शुड बी फ्री. पार्टी और उसके उम्मीदवार को भी स्वतंत्र होना चाहिए कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए, इलेक्शन चुनाव में भागीदारी करने के लिए. और कुछ ऑफर होना चाहिए पब्लिक के बीच में जिससे पब्लिक उनको चुने. कुछ मैनिफेस्टो होना चाहिए, उनके वादे होने चाहिए. थर्ड, टू चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स. फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. वो कैंडिडेट जनता के द्वारा प्रिफर्ड होना चाहिए जिसको जनता चुने. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर. मेन चीज स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव. दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड इजी कंडीशन बट देयर आर मेनी कंट्रीज. ये देखने में तो बहुत सिंपल बहुत सरल लगता है लेकिन मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल. बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे ये फुलफिल कंप्लीट नहीं होते हैं. In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic election. तो हम अपने देश में देखेंगे कि ये सब rules apply होते हैं और इसे हम लोकतांत्रिक election कह सकते हैं. Is it good to have a political competition? क्या political competition होना जरूरी है? राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो competition है, challenge. Election are thus all about political competition. This competition take various form. The most obvious form is the competition among political parties at the constituencies level. Constituencies level मतलब जो उनका एरिया है, जो रीन है, एक एक विधानसभा एक एक लोकसभा का जो क्षेत्र है उस लेवल पर. It's take the form of competition among several candidates. किसके जो several candidates हैं, different candidates हैं उनके बीच में.
एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10, 15, 20 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और इससे कंपटीशन और बढ़ जाता है। जनता के बीच चॉइस होता है कि कौन बेस्ट है, कौन अच्छा होगा, कौन एजुकेटेड है, कौन ऑनेस्ट ईमानदार है या कौन करप्ट है, किसको वोट दे। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्लियरली यस। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपुल कंप्लेनिंग आ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकलिटी। डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफ एन लेबल द एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर। अलग अलग पार्टीज जो हैं, एक एक अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स के खिलाफ जो है अपनी बातें रखते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। गलत गलत तरीके यूज करते हैं, अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। क्या है प्रेशर टू विन इलेक्शन? से दैट दिस प्रेशर विन इलेक्शन फाइट, मतलब कि इलेक्शन जीतने का जो प्रेशर फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। तो जो कुछ अच्छे लोग होते हैं जो देश की सेवा करने चाहते हैं, वो इस एरेना मतलब इस पॉलिटिक्स गंदी राजनीति में घुसना ही नहीं चाहते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बींग ड्रैग्ड इंटू अनहेल्दी कंपटीशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम। हमारे जो संविधान निर्माता थे, इन सब समस्याओं से अवेयर थे, वो जागरूक थे, पहले से जानते थे कैसी समस्याएं होंगी। येट दे ऑप्टेड टू फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस एज दे वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। इसीलिए फ्री कंपटीशन इलेक्शन, स्वतंत्र चुनाव हो और अपने मेंबर को चुनने के लिए वो स्वतंत्र हों भविष्य के लीडर को। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये सिस्टम जो है लंबे समय तक चल सकता है। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू सर्व देम। व्हाट इज गुड फॉर पीपल, लोगों के लिए क्या अच्छा है, और मोटिवेटेड, वो उसी तरह से उनको मोटिवेट करते हैं जिससे उनकी सेवा कर सके। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ड्स बट दैट इज नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल द अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाई अ डिजायर टू एडवांस दियर पॉलिटिकल करियर। दे वांट टू रिमेन इन पावर। क्या वो हमेशा सत्ता में ही रहना चाहते हैं? एंड पोजीशन फॉर देमसेल्फ। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल। लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं बट इट इज रिस्की टू डिपेंड्स एंटायरली ऑन दियर सेंस ऑफ ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी उनके कर्तव्यों के सेंस पर एंटायरली डिपेंड करता है। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो। मतलब कि वो नहीं जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, अर्थात उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की भी कमी होती है, राजनीतिक जो है अनुभव की कमी होती है। दियर आइडियाज मे नॉट मैच व्हाट पीपल रियली वांट। और उनके आइडिया जो विचार हैं वो भी लोगों से नहीं मैच खाते हैं कि जनता क्या चाहती है और वो क्या करना चाहते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर्स ऑफ पोलिटिकल लीडर्स। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे टू सेट अप द सिस्टम वेयर पोलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग। और कुछ ऐसे भी है जहां हम पोलिटिकल लीडर को रिवार्ड करते हैं उनकी सेवा के लिए, उनके कार्यों के लिए, अगेन उनको पुनः इलेक्शन में लाते हैं और विजयी बनवाते हैं बिन। और लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं, तो पनिशमेंट के तौर पर उन्हें बैक सीट पर भी, हमने डिस्कस किया है पहले।
हु डिसाइड दिस रिवार्ड और पनिशमेंट, कौन डिसाइड करता है? आप जानते हैं इसको कि पब्लिक, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन जहाँ पे होता है, मेन पावर किसके हाथ में है? पब्लिक। पब्लिक चाहे तो सरकार बनवाए, पब्लिक चाहे तो सरकार गिरवाए। हम कहते नहीं सरकार लहर, तो जिस जिसके पक्ष में लहर होती है गवर्नमेंट उसी बनती है, वही विजयी होता है। कभी सपा के पक्ष में लहर रही, हम अपने स्टेट में ही देख लेते हैं, कभी बीएसपी के पक्ष में लहर रही तो कभी बीजेपी के पक्ष में लहर रही, और उस स्टार्टिंग में कांग्रेस के पक्ष में लहर रहती थी, कांग्रेस की सरकार बनती थी। आज सेंट्रल और स्टेट दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी की लहर है, लोग उनसे प्रभावित हैं, उनके कार्यों से, उनके विचारों से। तो ऐसे ही समय समय पर चेंज होता रहता है। इसके पहले कांग्रेस थी सेंटर में, दो बार लगातार मनमोहन सिंह की सरकार, और इधर दूसरी बार लगातार मोदी की सरकार है। दे नो व्हाट इफ दे रेज इशू दैट द पीपल वांट टू बी रेज, वो जानते हैं कि कौन सा इशू उठाएं जिसको जनता चाहती, जनता जिस चीज, तो उन्हीं की भाप जाते और उन्हीं की हाँ में हाँ वो भी करते हैं। दियर पॉपुलरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन, और इस तरह से अगले इलेक्शंस में उनकी पॉपुलरिटी और उनके जीतने के चांस भी बढ़ जाते हैं। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई वोटर्स, लेकिन अगर वो वोटर्स को संतुष्ट करने में फेल हो जाते हैं तो फिर नॉट बी एबल टू विन अगेन, तो दोबारा जीतने में समर्थ भी नहीं होते हैं। तो जनता को जैसे जो भरमा ले जाए, जनता जिसके बातों में आ जाए। कभी कभी देखते हैं कि एजुकेटेड ऑनेस्ट पर्सन जो है उम्मीदवार इलेक्शन हार जाता है। करप्ट बाहुबली, बहुत से ऐसे लोग जो हैं जिनको जनता जानती भी नहीं है, बाहर से आते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। तो पार्टी के नाम पे जीत जाते हैं, जाति के नाम पे, ये सब कुछ हमारे यहाँ इस इलेक्टोरल पॉलिसीज की कुछ कमियां हैं, जो बैकड्रॉ हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। जनता भी ये चुनने में नहीं समझ पाती है, वो उसी तरह बहने लगती है। सो इफ आ पोलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाई डिजायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपुल। दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, किसकी तरह होता है? मार्केट वर्क्स में जैसे शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर दुकानदार अपनी केवल प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होगा तो ही इज फोर्स टू गिव गुड सर्विस, फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स। गुड सर्विस मतलब केवल अपने कस्टमर को अच्छी सेवा देने के लिए फोर्स है। इफ ही डज नॉट, अगर ऐसा नहीं करता है तो द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, जो कस्टमर है दूसरी दुकान पर जा सकता है, चला जाएगा। सिमिलरली पोलिटिकल कंपटीशन मे कॉज डिवीजन एंड सम अगलीनेस, तो इस तरह से चुनावी कंपटीशन में भी कुछ डिवीजन, कारण बंटवारा, आप देखते होंगे फूट टूट होती रहती अक्सर पार्टियों में से, उसके मेंबर्स चाहे असेंबली चाहे पार्लियामेंट टूट करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व द पीपल। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है इलेक्शन में? कैन बी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक, क्या हम अपने इलेक्शन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद होते रहते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड, उनका टर्म समाप्त हो जाता है जो चुने हुए होते हैं। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, भंग हो जाती है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। सेम टाइम उसी समय,
एक ही साथ होते हैं या अलग अलग होते रहते हैं। आप देखते होंगे कि करीब प्रत्येक वर्ष जो है दो चार स्टेट के असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं, और उसमें जो रिमेनिंग बाई इलेक्शंस होते हैं ये भी होते रहते हैं, या तो एक ही दिन होते हैं या अलग अलग। हमने बताया था कि उसको स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, जो जैसे बड़ा छोटा स्टेट होता है। इंडिया यूपी में तो करीब सात स्टेप्स में होते हैं, स्टेज में, चरणों में होते हैं इलेक्शन। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर। कभी कभी केवल एक ही विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है। क्यों ऐसा होता है कि सपोर्ट दैट उम्मीदवार की डेथ हो जाती है या वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इसको हम बाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हैं? यू रीड अबाउट द पीपुल्स ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट, डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs। यू परहैप्स नो दैट दिस इज नॉट द केस इन आवर कंट्री। वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द कंट्री डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पजेस ऑफ इलेक्शन। ये सब चीज़ें हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देश में डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अंडरलाइन करते रहेगा मेन मेन ये क्वेश्चन के आंसर भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनेंगे, वेरी शॉर्ट बनेंगे, मल्टीपल चॉइस से भी इन्हीं से निकल के आएगा, और लॉन्ग आंसर भी इन्हीं सब से आपको मिलेंगे आंसर। यस, दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये एरिया जो है चुनाव क्षेत्र कहलाते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया एलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, और इस एरिया में रहने वाले वोटर्स अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे जितने उम्मीदवार उसमें कैंडिडेट खड़े हों, लेकिन एक ही को बहुमत मिलता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP, उनको कहते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल। दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। सिमिलरली ईच स्टेट डिवाइडेड इंटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऐसे ही प्रत्येक स्टेट भी जो है, जैसे पूरा देश 543 जो है MPs कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है, ऐसे ही जितने स्टेट्स हैं उसमें भी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली क्षेत्र बनाए गए हैं, विधानसभा क्षेत्र। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA असेंबली और NMLA ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे हमारा अम्बेडकर नगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब एक संसद क्षेत्र है अम्बेडकर नगर के नाम से। पहले अकबरपुर था लेकिन अब उसका नाम अम्बेडकर नगर हो गया। पहले रिजर्व था, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र रिजर्व था, ओनली SC ST के लिए था, लेकिन अब ये जनरल हो गया। और जनरल होने के बाद इसके सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री असेंबली मेंबर्स बने राकेश पांडे जी थे, और दोबारा जो हुआ उसमें हरिओम पांडे जी BJP से, वो BSP से थे। इसके बाद पुनः जब तीसरी बार हुआ तो राकेश पांडे जी उनके पुत्र रितेश पांडे जी सांसद हैं BSP से। अब इसके क्षेत्र में कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि अंबेडकर नगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अकबरपुर, कटेहरी, जलालपुर, टांडा एंड जहांगीरगंज। 5 विधानसभा क्षेत्र से 5 विधायक मेंबर, जिसमें 2 BJP से हैं, टांडा एंड जहांगीरगंज से 2 वीमेन मेंबर BJP से, और
दो बीएसपी कटेहरी एंड अकबरपुर और एक सपा। वहाँ पे पहले रितेश पांडे जी थे बीएसपी से, लेकिन उन्होंने अपना रिजाइन दे करके पार्लियामेंट्री असेंबली में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन में खड़े हुए और विनर हुए, और वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ जहाँ पे सुभाष राय जो है जी सपा से विन हुए। इज विलेज आर टाउन डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स। ऐसे ही पंचायत लेवल पर एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन नगर में अर्बन एरियाज में विलेज को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक एक मेंबर सदस्य आप सुनते होंगे गांव में कि पंची जिसको कहते हैं, और पूरे जो गांव का इलेक्शन एक मतलब जो उसका हेड के लिए चुना जाता है वो पूरा गांव मिला करके उसको चुनते हैं विलेज हेडमैन। ऐसे ही म्यूनसिपल काउंसिल में नगर पालिका, नगर निगम, ये डिफरेंट वार्ड्स में बटे होते हैं। एक वार्ड से काउंसलर चुना जाता है जिसे नगर निगम में पार्षद कहते हैं। चेयरपर्सन के लिए पूरा नगर पालिका का जो मेंबर आते हैं वोट देते हैं, और वहाँ पे मेयर होता है नगर महानगर निगम में, नगर निगम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसको कहते हैं। तो अर्बन लोकल बॉडीज समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंटेड वन सीट इन द असेंबली। व्हेन वी से दैट द लोक दल 160 सीट्स इन हरियाणा, इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ लोक दल 160 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट एंड द लोक दल हैड 60 MLAs इन द स्टेट असेंबली। अब यहाँ पे गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू कश्मीर में, और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा लोकसभा स्टेट्स एंड गुलबर्गा द कालाबुर्गा बुर्गी डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका में दिखाया गया है। और इसको देखने की आप चेक कर लीजिएगा, हमने आपको अंबेडकर नगर लोकसभा सीट और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में वैसे समझा दिया है, और आशा करते हैं कि ये इलेक्शंस के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटिल्स एवरी सिटीजन्स टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी elected as representatives. The constitution maker however were worried that in an open electoral competition certain worker sections may not stand a good chance. तो जो हमारे संविधान निर्माता थे इस चीज़ से लेकर के पहले से worried थे कि जो weaker section है, जो समाज में पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित वर्ग है, ये आम चुनाव में तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती है खड़े होने की, या ऐसे तो ये तो वंचित रह जाएंगे अपने अधिकारों से। तो इस तरह से ये सब चीज़ों को लेकर के रिजर्व सीट बनाई गई थी उनके लिए रिजर्व, क्योंकि उस वर्ग में केवल वही वर्ग के लोग खड़े हों और जिससे वो भी अपना प्रतिनिधित्व करें, अपनी बात को रख सकें। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट टू कॉन्टेस्ट एंड बीन इलेक्शन अगेंस्ट सदर। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल, अर्थात जो लोग प्रभावी होते हैं और संसाधनफुल होते हैं, में प्रिवेंट देम, उनको रोक देते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। बाहुबली हमने बताया था ना, पैसा खर्च करके, वोट खरीद करके, तरह तरह तरीके अपना करके, पहले तो वोट ही नहीं डालने लोग जाने पाते थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, बहुत कुछ तरीके होते थे। EVM जब से आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तब से थोड़ा करप्शन कम हुआ, अभी भी उसमें भी हम कहते हैं कमियां हो जाती हैं। तमाम पार्टी जो है अपोज करती है, जब नहीं जीतती है तो कहती है कि तो EVM में गड़बड़ी हो गई है, किसी एक ही पार्टी पर सारा वोट जा रहा है, सब आप सुनते होंगे, सुने होंगे। इफ दैट हैपन आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ ए सिग्निफिकेंट सेक्शन। अगर ऐसा हमारे पार्लियामेंट और असेंबली में होता है कि वो वीकर सेक्शंस नहीं जा पाते, तो ऐसे लोगों की आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच पाती है।
दे वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिपेयर, और इससे हमारा लोकतंत्र जो है कम जवाबदेही हो जाता है. सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन. सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी एंड एससी. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली सम हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन, वही लड़ सकता है जो उससे बिलोंग करे. सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर एसटी. और शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो एसटी जहाँ पे सुरक्षित है उसी में लड़ सकते हैं करंटली इन द लोकसभा. अब तो एससी एसटी जो भी हैं सब मोस्टली जो है एससी वाले में खड़े हो जाते हैं. 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स एज ऑन 1 सितंबर 2012. पूरे देश में जो है 543 में 84 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. द नंबर इज इन प्रपोर्सन टू दियर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, की जनसंख्या के आधार पर ऐसा बनाया गया है. दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल. तो डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर भी ऐसा किया गया है. इन मेनी स्टेट सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपलिटीज एंड कॉरपोरेशन. अर्बन और लोकल सिटीज में भी सीटों में रिजर्वेशन दिया गया है. बैकवर्ड क्लासेस के लिए पिछड़ी जातियाँ ओबीसी. प्रपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व्स वेरीज फ्रॉम सीट टू सीट. सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व इन द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वीमेन कैंडिडेट. तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव में महिलाओं को भी 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है. आप देखते होंगे कि बहुत से गाँव के हेडमैन क्या हैं, हेड जो हैं वीमेन्स हैं, महिला. अपने यहाँ खुद म्यूनसिपलिटी जो है म्यूनसिपलिटीज़ जो है नगर पालिका जो हमारी है यहाँ के चेयरमैन सरिता गुप्ता हैं, वीमेन हैं. वोटर लिस्ट कैसे बनती है, इस समय आप देखे होंगे कि स्टार्ट हुआ था जनवरी फरवरी में वोटर लिस्ट में नाम सुधारना, नाम कटवाना, ये सब चीज़ें शुरू हुई थी. इधर कोरोना के वजह से सब चीज़ें ठप हो गई. नया जनगणना भी शुरू होने वाला था, सेंसस जिसको कहते हैं 2021, 10 साल बाद होता है ये. वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड द नेक्स्ट सेटअप टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट. एक बार जब क्षेत्र का परिसीमन हो जाता है कौन लोकसभा विधानसभा ग्राम पंचायत ग्राम सदस्य सब वार्ड डिक्लेयर हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र में आने वाले पीपल जो एडल्ट हैं जो 18 ईयर एज कंप्लीट करते हैं वोट देने के अधिकारी होते हैं. उनका जो बीएलओ होते हैं ग्राम लेवल पर जो चुनाव अधिकारी होती हैं जैसे आंगनबाड़ी लेखपाल, ये जो हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यकत्री ही हैं, फीमेल होती हैं सब. ये फॉर्म भरवाती हैं फॉर्म 6 और ऐसे ऐसे नाम से उसको कहते हैं. आधार कार्ड आपका और एज सर्टिफिकेट के आधार पर उसको फिलअप किया जाता है, फिर जाता है और आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल. इसको हम ये ऑफिशियली होता है, सरकारी गजट है और इसको हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं. एंड इज कॉमनली चुनाव, इसको चुनाव लिस्ट कहते हैं जिसमें हम अपना नाम देख सकते हैं, वोटर लिस्ट कहते हैं. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेटअप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ये पहली कड़ी है लोकतांत्रिक चुनाव की. एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी चूज रिप्रेजेंटेटिव. इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में डेमोक्रेटी के फीचर्स में. इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. नो वन शुड बी डिनाइड हम द राइट्स टू वोट. हम किसी को उसके वोट देने के अधिकार से डिनाइड नहीं कर सकते हैं. ये मस्ट है, हमारा कर्तव्य है वोट देना. और इलेक्शन के समय देखते होंगे कि सरकार खुद प्रचार करवाती है, बहुत एजेंसियों के तहत लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कैसे वोट डाला जाए. वोट देना अपना कर्तव्य है, पहला अधिकार है.
इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजंस एज 18 ईयर्स एंड अबव वन कैन वोट इन एन इलेक्शन एवरी सिटीजंस हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज आर हर कास्ट रिलीजन और जेंडर चाहे वो किसी भी जात का हो धर्म का हो जेंडर का हो सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विदाउट अनसाउंड माइंड कैन या आप मैप को अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे दिया गया है पूरे कंट्री में किस स्टेट्स में कितने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसको आप पढ़िए समझिए बी डिनाइड टू द राइट टू वोट उनको हम वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं जो क्रिमिनल्स ऐसे हैं बट रेयर सिचुएशन क्रिटिकल कंडीशन में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके नाम को वोटर लिस्ट में करें एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ प्लेस आर दोज हु आर डेड आर इलेक्टेड और उनका नाम कटना बढ़ना जो हर होता रहता है हर इलेक्शन में कि जो डेड हो गए उनके नाम कट जाएं जो कहीं दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं उनको भी कट जिससे कि एक वोट भी एक आदमी डाल पाए अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर्स दिस इज डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड कुछ पहले नहीं था बाद में जिससे पहले तो बहुत धांधली होती थी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र बनना शुरू हो गया जिससे कि करप्शन ना हो वही व्यक्ति अपना वोट डाले जिसका वोट है पहले के लोग 10-10 वोट डाल देते थे जो शहर में है उनका भी वोट पड़ जाता था अब तो आधार कार्ड हो गया आधार कार्ड के आधार पर आपका लेके जाते हैं पहचान होती है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट कैसे नॉमिनेशन होता है बी नोटेड एबव दैट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन जैसे हमने तो इसके बारे में पहले बताया था कि पहले कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं पार्टी के या इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तो एक डेट होती है पर्चा दाखिला का अपने पूरे दल बल के साथ लोग जाते हैं वहाँ पे जो नॉमिनेट करने के लिए उनको 2 मेंबर की ज़रूरत पड़ती है जो उनको पर्चेदाता जिनके कहलाते हैं हम वो और उनका नॉमिनेशन होता है नॉमिनेशन होने के बाद 1-2 दिन के अंदर में पुनः उनकी चेकिंग होती है पर्चे की अगर कोई गलती होती तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या नाम वापस करना होता तो नाम वापसी हो जाता है उसके बाद फाइनल 2-3 दिन बाद उनको सिंबल मिल जाता है और वैसे तो जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके तो सिंबल ऑलरेडी रहते हैं लोकल लेवल पर ऐसा होता है 15 ईयर्स पार्लियामेंट्री या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 25 साल कम से कम एज होनी चाहिए और ग्राम लेवल पर 21 साल एज होनी चाहिए बीडीसी मेंबर के लिए या ग्राम पंचायत मेंबर के लिए बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट दियर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफ एंड कॉल पार्टी टिकट और कहते हैं उसको पार्टी टिकट एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म और प्रत्येक लोग जो नॉमिनेशन में चाहते हैं कि अपना नॉमिनेट कराना उनको फॉर्म भरना होता है एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन उनको अपना पर्चा पूरा ब्यौरा देना पड़ता है हमारी कितनी इनकम है कितना क्या सब कुछ भरना होता है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट डिटेल्स ऑफ द एसेस्ट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट ये सारे इंफॉर्मेशन कैंडिडेट को देना पड़ता है दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक दियर डिसीजन और इससे वोटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना डिसाइड करें किसको इन सूचनाओं के आधार पर कि बैकग्राउंड क्या है उसका और उसको वोट दें कि ना दें अब यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लिखा गया है तो कैंडिडेट क्या होना चाहिए शुड बी इंडियन भारतीय होना चाहिए पागल दिवालिया ना हो करप्ट ना हो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो तो ऐसे किसी सरकारी पद पर ना हो लाभ के पद पर ना हो अब इलेक्शन कैंपेन कैसे इलेक्शन प्रचार होता है तो द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल्स अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव
द गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसीज दे प्रीफर। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, अपने मैनिफेस्टो बनाती हैं, चुनाव वादा जिसको कहते हैं, वादा पत्र, जिसमें पब्लिक को कुछ ना कुछ करने के लिए 5 साल में हम ये नौकरी देंगे, उनको ये करेंगे, छूट देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे वो जनता को लुभाने का काम करती हैं और जनता उनकी तरफ अटैक्ट होकर के उनके कैंडिडेट को वोट दे। तो तरह तरह से प्रचार का माध्यम होता है, डोर टू डोर जा कर के, माइक, लाउड स्पीकर, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, बिलबोर्ड्स, बहुत ऐसे होते हैं सिस्टम जिसके थ्रू पार्टीज प्रचार करती हैं। और बड़े बड़े पॉलिटिकल सिंबल से तो हम केवल सिंबल देखते हैं बल्कि ये भूल जाते हैं कैंडिडेट कैसा है। हम बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, इसके आधार पर वोट देने लगते हैं, कास्ट के आधार पर वोट देने लगते हैं, जो कि उतना फेयर नहीं है। इन इलेक्शन कंपेरिजन द पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशूज, दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशूज एंड गेट देम टू वोट फॉर दियर पार्टीज। जैसे यहाँ पे है द गरीबी हटाओ रिमूव पार्टी, ये सब नारा है, इलेक्शन 1971 में हुआ था। पार्टी प्रॉमिस टू रीओरियंट्स ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स टू रिमूव पार्टी पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए। सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ, ये नारा जनता पार्टी ने दिया था उस समय 1977 में। द लेफ्ट फ्रंट वाम मोर्चा का स्लोगन था लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। प्रोटेस्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट आत्म सम्मान इन तेलुगु में टी रामाराव, एन टी रामाराव। तो ऐसे ऐसे लोग समय समय पर नारा देते हैं। ब्राइब आर थ्रीटन वोटर्स, अपील टू देम इन द नेम्स ऑफ कास्ट और रिलीजन, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कंपेजिंग, स्पेंड मोर देन 25 लाख। तो इलेक्शन कमीशन ने आज बहुत से कंडीशन ऐसे रखे हैं कि कम से कम पैसा जो है खर्च हो चुनाव प्रचार में, सबको अपना ब्यौरा देना पड़ता है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट्स कहते हैं, और पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। तो पोलिंग बूथ बताया, जब डेट फिक्स हो जाता है कि आज के डेट चुनाव होगा तो उसके एक दिन पहले पोलिंग पार्टियाँ, जिसमें प्राइमरी टीचर से लेकर के और ऐसे लोअर लेवल के कर्मचारी होते हैं, आते हैं, प्राइमरी स्कूल पे रुकते हैं, गांव के लेखपाल जो होते हैं वो बूथ बना देते हैं, और अलग अलग बूथ बना दिया जाता है अलग अलग सेक्टर के आधार पे। सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, सब अपना अपना वर्क करते हैं, और 7 बजे से इलेक्शन शुरू हो जाता है। अब तो शायद 7:30 बजे से लेकर 6 बजे तक इलेक्शन होती रहते हैं, जब तक कि सभी वोट ना डाल दें जो लाइन में लगे होते हैं। और इस तरह से पहले तो बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर पर वोट पड़ता था, बैलेट बॉक्स में सील होता था, अब ईवीएम में है, ईवीएम में बटन दबाया, अपना वोट दिया, कैंडिडेट भी उसमें नाम आता है, कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, पार्टी के फ़ोटो भी आ जाते हैं, और आप वोट देंगे तो आपका भी फ़ोटो आ जाता है, और लास्ट में सील होता है। सील होने के बाद वो जा कर के कंट्रोल रूम में जमा हो जाता है, और एक डेट होने पर उसका मतगणना होता है, और मतगणना में जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही विजयी होता है। तो ये सारा सिस्टम्स आप जान रहे हैं, और आपको लगभग समझाया भी गया, और लगभग आप देख भी रहे हैं। आपकी एज 12-13 ईयर्स है, 14 ईयर्स है, आप अपने समय में कम से कम 2 इलेक्शन तो ज़रूर देखे होंगे। तो व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, इंडिया में मतलब इलेक्शंस कैसे इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाता है, तो बी गेट रीड। तो ये सब इंडिया का ही हम जो आपको पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस इंडिया में होता है। तो इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून नेम्स इन द वोटर लिस्ट, क्या होता है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, जो गलत नाम होते हैं और ऐसे होते हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाना, सही नामों को वोटर लिस्ट में डालना। मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, जो सरकार की फैसिलिटीज है, सरकारी तंत्र का मिस यूज ना हो, क्योंकि जो सरकार के लोग होते हैं वो अपने पैसे, अपने बाहुबल, अपने रिसोर्स का यूज करते हैं चुनाव के दौरान, ऐसा ना हो। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना खर्च हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और शिकायत होने पर इलेक्शन कमीशन में लोग उसकी शिकायत करते हैं और उसके खिलाफ केस भी होता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र निष्पक्ष जो चुनाव संस्था है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, इसका इलेक्शन कमिश्नर होता है,
वन सिंपल वे आप चेकिंग वेदर इलेक्शन स्टेट में भी और उस समय इलेक्शन के समय जो भी नोडल अधिकारी होते उस सब इलेक्शन अधिकारी हो जाते हैं, चुनाव अधिकारी हो जाते हैं। डीएम जो है जिले का चुनाव नोडल अधिकारी होता है, एसडीएम तहसील का, ऐसे ऐसे सब जो है हो जाते हैं, सबको वार्ड बांट दिया जाता है, कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट है तो कोई जो है। आर दे इंडिपेंडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कैन द सरकार का उस पर कोई दबाव नहीं होता है, ऐसा नहीं है कोई सरकारी पक्ष का होगा, पता चला जिस सरकार जिस गवर्नमेंट की सरकार है उसी के लोगों को कैंडिडेट को विजयी बनाए, जैसे कि हम टेंथ में डिस्कस किए हैं, टेंथ में आप पढ़ोगे चाइना और अदर कंट्रीज में ऐसा ही होता है, वहाँ तो एक ही पार्टीज को देने का एक ही पार्टीज होती हैं। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इन क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री, इन आवर कंट्री elections are conducted by an independent and every powerful election commissions EC enjoy the same kinds of independence that judiciary enjoy. The chief election commissioner CEC is appointed by the president of India, but once appointed the chief election commissioner is not answerable to the president. एक बार appoint होने के बाद वो president के पद जवाब दे नहीं है, स्वतंत्र होता है। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. और ये भी संभव नहीं होता है कि उसको हटाना। Very few election commissions in the world have such wide-ranging power. और बहुत कम ही ऐसे election commissions हैं, चुनाव आयोग हैं अदर देशों में जो इंडिया में जैसा पावर है उसके पास। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट एंड कंडक्ट कंट्रोल इलेक्शन, सारे निर्णय जो है लेता है इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन कमिश्नर। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट आचरण लॉ सब कुछ पनिशल कैसे किया जाए। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। इलेक्शन के दम सरकार ना तो किसी का ट्रांसफर कर सकती है, कोई दाखिला नहीं, अपने अनुसार किसी भी डीएम या एसपी कहीं भी तैनाती नहीं हो सकता है। उस समय सारी चीज़ें चुनाव जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो सारे सरकारी काम रुक जाते हैं, कोई नई घोषणा नहीं हो सकता है जिससे कि जनता उससे प्रभावित ना हो। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द, चुनाव के दौरान जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करते हैं। In the last 25 years, so the election commission has begun exercise all its power. पहले तो उतना नाम नहीं होता, लेकिन जब TN सेशन इलेक्शन कमिश्नर बने तभी से ये पता चलने लगा लोगों को कि कुछ चुनाव आयोग भी होता है, तब से शक्ति हुई और पार्टियां मनमानी करने से रुकी। When election official came to be the opinion that polling was not fair in some booth, और जब election चुनाव आयोग को शिकायत पहुंचती है कि इस बूथ पर जो है चुनाव सही नहीं हुआ है, चुनाव जो है मतलब धांधली हुई है, तो वहां पे चुनाव रद्द करके पुनः रीपोलिंग करने का आदेश दिया जाता है। But they have to obey. This would not have happened if the EC was not independent and power. और ऐसा नहीं होता कि जब चुनाव कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो। पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या है? अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट्स इन विद द एंथोसियम एंथोसियाज्म मतलब पूरे उत्साह के साथ। If the election process is not free or fair, people will not continue the participates in the exercise. अगर चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। Read the charts and draw some conclusion about participation in India. People participation in elections is usually measured by voter turnout figure. अब तो आज एक होता है नोटा, अगर हम सरकार के कामकाज से या पोलिटिकल पार्टीज कामकाज कुछ नहीं है तो हम किसी कोर्ट नहीं देंगे, नोटा मतलब नो बहिष्कार करना, लेकिन पहले बहिष्कार था, बहिष्कार नहीं, आप नोटा पे दबा दीजिए अपना कि हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। और कभी कभी आप देखें हमने कि राजस्थान और जो एमपीज में इलेक्शंस हुए थे बाय असेंबली इलेक्शन, उसमें जो बीजेपी कैंडिडेट हारे वो नोटा से ही हारे, क्योंकि उनके वोट थे वो और उनके पक्ष में नहीं पड़े, न किसी पक्ष में पड़े।
तो सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट जो दिया गया है इसको आप अच्छे से समझिए, इसमें कुछ नहीं है। इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन द लार्जर प्रोपोर्शन। हमारे देश में निरक्षर गरीब और जो सुविधाओं से वंचित इनकी संख्या ज़्यादा है और ये इस इलेक्शन में भाग लेते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर्स टूक पार्ट्स इन अ कैंपेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन आर अदर पोलिटिकल पार्टीज। अब क्या है, ज़्यादातर लोग जो है चुनाव प्रचार के आधार पर वोट देते हैं और पार्टी मेंबर हो गए, पार्टी अपने मेंबर बनाती है, अपने कार्यकर्ता बनाती है और कांग्रेस के इतने कांग्रेस में हम देंगे वोट, हम बीजेपी में वोट देंगे, हम बीएसपी में देंगे, सपा में देंगे, अभी इस तरह से हो गया है। द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम द वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री आर फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शन। तो रूलिंग पार्टी जो है इलेक्शन ही नहीं खोती, हारती। तो ये सब है इस चैप्टर में, चैलेंज टू फ्री फेयर। चैलेंज आज बहुत है, देखते हैं कि चुनाव के दौरान कितने मर्डर हो जाते हैं, पार्टीज आपसी मतभेद बढ़ जाता है गांव लेवल पर। और अभी क्लैश आप सुने होंगे वेस्ट बंगाल में जब चुनाव था पार्लियामेंट्री का, और ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे का मर्डर करने लगते हैं। ऐसे बहुत जो है चैलेंज है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना। तो दिस इज द लास्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। वैसे वीडियो लॉन्ग बन गया 1 आवर का, लेकिन कल मैंने बनाया 30 मिनट्स का, लेकिन उसमें कुछ कमियां आ गई थी, वॉइस बीच बीच में कट नहीं हो रही थी, किसी और की भी वॉइस आ रही थी। आज पुनः ये वीडियो हमको बनाना पड़ा और एक साथ, इसलिए हम एक साथ बैठ करके, एकांत में बैठ करके एक साथ पूरा बनाए हैं और आप समझेंगे। इसमें बहुत ऐसा कोई टर्म नहीं है जो समझ में आए, इसको आप देख रहे हैं अपने आसपास जो इलेक्शंस होते हैं कैसे होते हैं, कैंडिडेट क्या होते हैं, सब जान रहे हैं आप और ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं पॉलिटिकल चीज़ों में आप लोग, तो अच्छे समझेंगे। मेक नोट्स, क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।